हेलो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी का जो वैकेंसी आई है उसके लिए मैं ये पेपर सॉल्व करा रही हूँ। ये है पीजीटी का पेपर जो 2010 में इसकी वैकेंसी आई थी और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 22 मई को हुआ था 2011 में। तो ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पिछला टीजीटी पीजीटी का कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, ये पीजीटी का है। ठीक है, तो पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर है वो उसमें वेस्टर्न भी आते हैं क्वेश्चंस और इंडियन भी आते हैं। इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सेम आते हैं, सिमिलर आते हैं। 30-40 क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही डाउन लेवल के आते हैं, मीन्स नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद जो 20-40 क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा आप अगर पढ़े हों तो वो कर सकते हैं, और जो लास्ट के 50 क्वेश्चंस होते हैं उसी में आपका मेरिट हाई होती है। तो 80 क्वेश्चंस तक तो सभी सॉल्व कर लेते हैं, 80 क्वेश्चन के बाद आपकी मेरिट बनना स्टार्ट होती है। तो 125 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 125 में कुछ लोग 115 तक 116 तक का स्कोर कर लेते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े रहेंगे और मेरे वीडियो को सुनते रहेंगे तो मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराती रहूँगी। कुछ कुछ मेरे वीडियो से आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी और कुछ आप खुद से भी पढ़ाई करिएगा, बुक स्टडी भी करिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक एक करके जो बुक्स होंगी वो मैं बताती रहूँगी, तो आपको बुक्स की भी जानकारी देती रहूँगी और आपको क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कलकत्ता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1820 ईस्वी में, 1820 में कलकत्ता में पहली छपाई मशीन लगाई गई थी। ठीक है, सेकंड है, कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय राधा कृष्ण था। थर्ड क्वेश्चन है, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? तो राइट आंसर इज सी, 3 आयाम, 3 डायमेंशनल होते थे ये। मोनालिसा की जो पेंटिंग थी वो 3 डायमेंशनल थी। सांची और भरहूत स्तूप किस काल में बने थे? मौर्य काल में बने थे। राइट आंसर इज डी, मौर्य काल। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से माना जाता है? राइट आंसर इज ए, पाल शैली से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अंत्येष्टिक संस्कारों की कला किसे कहते हैं? तो राइट आंसर इज सी, मिस्र की कला को कहते हैं अंत्येष्टिक संस्कारों की कला। ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? ताहिती द्वीप जो था वो वॉन गोगुआ का। ताहिती में ही रहकर गोगुआ ने वहाँ के जो ट्राइब लोग थे उनकी पेंटिंग बनाया करता था और रियलिस्टिक में इनका काम रहता था। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। 9th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अजंता गुफाओं की भित्ति चित्र की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, रॉबर्ट गिल द्वारा। रॉबर्ट गिल जो थे उन्होंने 1847 ईस्वी में अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाने हेतु भारत आए थे। 10 वर्षों में से केवल 30 चित्रों की अनुकृतियां तैयार हो पाई थी, जिन्हें मेजर गिल ने इंग्लैंड भेज दिया और इन अनुकृतियों को सिडी होम के क्रिस्टल पैलेस की प्रदर्शनी में लगाया गया, किंतु इस पैलेस में भीषण आग लगने से 25 चित्र नष्ट हो गए। कहा जाता है कि अजंता के चित्र जब भी बन के तैयार हुए तो दोनों बार यहाँ के चित्र नष्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं, पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण मिला था? तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा, अंग्रेज अधिकारियों का मिला था। अंग्रेज व्यापारी जो थे वो पदाधिकारियों के संरक्षण में ये कलाकार इंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रित करते थे, अर्थात यूरोपियन ढंग से पटना शैली के चित्रण हुए थे। छदंत जातक की कथा का वर्णन है, छदंत जातक की कथा का वर्णन है गुफा नंबर 10 में है। सिगिरिया स्थित है, सिगिरिया कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इज ए, श्रीलंका में स्थित है। शबीह किसे कहते हैं? शबीह पोर्ट्रेट को कहते हैं। ठीक है, शबीह मुगल शैली में पोर्ट्रेट को शबीह कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14
त्रिनाले आयोजित होती है। कहाँ पर आयोजित होती है त्रिनाले? त्रिनाले राइट आंसर इज ए, दिल्ली में आयोजित होती है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है जिसको त्रिनाले कहा जाता है। त्रैवार्षिकी भारत तर ठीक है का आयोजन होता है। 1986 से इसको प्रारंभ किया गया था। इसको आपको याद कर लेना होगा, 1968 से इसको प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया था? तो ये तो जो आर्ट फील्ड के होंगे सभी को पता होगा, चित्रकारी को अपनाया था। राइट आंसर इज री, चित्रकारी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी होती है? तो एच बी हो गया हार्ड ब्लैक, टू बी हो गया टू लेड मीन्स लेड की जो मोटाई होगी वो टू होती है, और बी से ब्लैक हो गया। फोर बी थोड़ा सा टू से मोटा होता है और ब्लैक होती है, और 9B काफ़ी मोटी थिक पेंसिल होती है जो ब्लैक कलर की चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि 9B है, बी है। ये सबसे मुलायम नोक होती है, इसकी सॉफ्ट लीड होती है। वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या क्या है? राइट आंसर इज ए, 64 कलाएं। आपने सुना होगा वात्स्यायन की कला कामसूत्र की कलाओं में कितने कला को वर्णित किया गया है? तो 64 कलाएं वात्स्यायन ने 64 कलाओं को माना है। मैं वात्स्यायन के 64 कलाओं का एक डिटेल आपको वीडियो बना के दे दूंगी, जिसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि वात्स्यायन के 64 कलाओं में क्या क्या कलाओं को ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र कहाँ पर मिले हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नव पाषाण काल में मिले हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो आपके पूरा पाषाण काल और मध्य काल में प्रागैतिहासिक अधिकांश चित्र नहीं मिले हैं, नव पाषाण काल के सारे चित्र प्राप्त हुए हैं। चोलमंडल ग्राम किस राज्य में है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, तमिलनाडु में है। सन 1966 ईस्वी में KC.S. पनिक्कर ने कलाकार ग्राम की स्थापना की, जिसे चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इज ए, गोवा में स्थित है। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मंडना किस प्रदेश से संबंधित है? तो मंडना जो है वो राजस्थान से संबंधित है। बैगनी रंग विरोधी है। राइट आंसर इज ए, पीले रंग का, बैगनी रंग पीले रंग का विरोधी रंग है। अजंता के चित्र निर्मित हैं। अजंता के चित्र कहाँ पर निर्मित है? भित्ति पर। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जोड़ा सांको में हुआ था। इस तरीके से आप इस पेपर को सॉल्व करके ऐसा पता कर सकते हैं कि PGT के क्वेश्चन का लेबल क्या आता है। अजंता की गुफाएं स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, किसने किया था? ये राइट आंसर इज ए, स्टेला क्रैमरिस ने। इस चित्रसूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस और उसके बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? ललित कलाओं के दायरे में चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, इनमें से सभी आती हैं। ठीक है, तो चित्रकला के दायरे में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला और काव्य कला होती हैं। ये 5 कलाएं होती हैं, ललित कलाओं के दायरे में आती हैं। ठीक है, दो वकील किसकी कृति है? दो वकील जो है वो डोमिए की कृति है। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो चंबा की जो रेखाएं हैं वो लाल और काले रंग से बनाई गई हैं। इन रेखाओं में जहांगीर कालीन मुगल शैली की विशेषताएं दिखाई देती हैं। रेखाएं लाल व काले रंग से बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किशनगढ़ के चित्र शैली के संस्थापक थे। किशनगढ़ के चित्र शैली के संस्थापक नागरी दास थे। क्वेश्चन नंबर 31,
बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाई गई हैं? बुद्ध की मूर्तियाँ कब बनवाई गई हैं? तो कनिष्क काल में बनवाई गई हैं। चित्र लक्षण के रचयिता कौन हैं? चित्र लक्षण के रचयिता हैं राजा भारेजीत। होरियोंजी मंदिर की भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र 8वीं शताब्दी के हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? द टेम्पेस्ट जो है वो जॉर्जियन की कलाकृति है। अब देखिए वेस्टर्न क्वेश्चन आने लगे हैं। लेटी हुई लड़की चित्रांकित किया है? लेटी हुई लड़की किसने चित्रांकित किया है? रेम्ब्रा ने किया है। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की 21वीं कला प्रदर्शनी में अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको? इसमें आप ये कॉन्टेम्प्रेरी से थोड़ा सा आ जाता है, 36 नंबर क्वेश्चन है, बी रोशन गोरखपुर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1610, 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी दीवाने हाफिज। 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में दीवाने हाफिज सचित्र पोथी चित्रित की गई थी। पहाड़ी चित्रों की का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ था? पहाड़ी चित्रों का निर्माण 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इंडियन से जो रिलेटेड हैं ये आपके KVS के भी एग्ज़ाम में आते हैं। ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते हैं, ईरानी चित्रों में प्रायः सपाट रंग लगाए जाते थे। ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की है? ओस्टवाल्ड की रचना जर्मन वैज्ञानिक ने की है। हेगेल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? हीगेल ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में रखा है। कौन से रंगों में अधिक भार होता है? राइट आंसर इज डी, गर्म रंगों में अधिक भार होता है। ये माना जाता है कि गर्म रंगों में अधिक भार होता है। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी के प्रिपरेशन के लिए मैं एक बुक बता दूंगी जिसमें ये लास्ट के जो मैं 125 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि आपके लिए टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बुक्स के बारे में पूरा एक वीडियो बनाया है। बहुत सारी बुक्स है उसमें, 100 के आसपास बुक्स के नेम और उसके राइटर्स के नेम मैंने बताए हैं। तो मेरी इस उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आपको। तो 43 क्वेश्चन नंबर है जिसमें लिखा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स पुस्तक के किसने लिखी है? प्लेटो हुसैन, प्रोफेसर कलिंगवुड, कांट। राइट आंसर इज प्रोफेसर कलिंगवुड। क्वेश्चन नंबर 44, स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को 4:6 के अनुपात में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, स्नानार्थी किसकी पुस्तक किसकी कलाकृति है? स्नानार्थी माइकल एंजेलो की कलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रण किया है? प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में किसने चित्रित किया है? क्वेश्चन पूछने का मीन्स ये है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी छितिन नाथ मजुमदार। छितिन नाथ मजुमदार जनरली आर्ट गॉड के ऊपर चित्र बनाते थे। तो राइट आंसर इज सी छितिन नाथ मजुमदार। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? अकबर और जहांगीर काल में राइट आंसर इज बी शबी है। शबी मीन्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 48, द बुक ऑफ ह्यूमन प्रपोर्शन, द बुक ऑफ ह्यूमन प्रपोर्शन अल्बर्ट ड्यूरर का है। क्वेश्चन नंबर 49, इटली का वयोवृद्ध कलाकार कहा जाता है? इटली का वयोवृद्ध कलाकार टीशियन को कहा जाता है, टीशियन अथवा टिजियानो वैची बोशियोलो
को इटली के वयोवृद्ध कलाकार के रूप में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, अमृता कला वेदिका किस शहर में है? अमृता कला वेदिका गोरखपुर में है। किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? तो राइट आंसर इज 51 का डी हो जाएगा, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है, चमड़े पर अग्नि की देवता का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 52, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? तो राइट आंसर इज ए, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने रेखावली ग्रंथ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 53, किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, जहांगीर इसमें दिया है, बट यहाँ पे हुमायूं है। ठीक है, हुमायूं इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 54 का सी हो जाएगा, देखते हैं। ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते उसको प्राथमिक रंग कहते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से ही हमें पढ़ाया जाता है कि प्राइमरी कलर्स ब्लू, रेड एंड येलो होते हैं, तो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी, जौनपुर। जौनपुर से जो प्राप्त कल्पसूत्र की प्रति थी वो सबसे उत्तम मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं? राइट आंसर इज बी, पोलक। फ्रेंड्स, मैं आंसर बताती जाती हूँ, साथ साथ आप भी अपने मन में इस क्वेश्चन का आंसर खुद से बताते जाओ। अगर मैं बता देती हूँ, अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आप एक पेन पेपर लेके बैठो और अपने माइनस पोल जहाँ हैं, जहाँ पे आपने गलती की हो या आपको नहीं आ रहा हो, उस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लें, ठीक है? या आप इस वीडियो को 2-3 बार सुन लेंगे तो ये 125 क्वेश्चंस तो आपका पूरा कंप्लीट रेडी हो ही जाना है। और इन 125 में से जनरली 20 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, 20 नहीं तो 10 तो आने ही आने हैं अगले वाले पेपर में। स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार थे पोलक। क्वेश्चन नंबर 57, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था? तो अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग संखिया से बनाया था, ठीक है, संखिया से बनाया था। क्वेश्चन नंबर 58, नटराज मूर्ति की ऊंचाई है, नटराज मूर्ति की ऊंचाई 8 इंच कही जाती है, ठीक है, 8 इंच। तलगिरीश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तलगिरीश्वर मंदिर जो बनवाया था वो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 60, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो एलोरा की जो 32वीं गुफा थी उसको इंद्रसभा के नाम से जाना जाता है। यशोधरा के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की थी? तो यशोधरा के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या अवनींद्रनाथ ठाकुर ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? मुगल चित्रों में रंगों को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला था वानस्पतिक रंग, दूसरा रासायनिक रंग और तीसरा था खनिज रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ललित कला अकादमी के सचिव हैं? फ्रेंड्स, ये उस समय का पेपर है इसलिए उसमें ललित कला अकादमी के जो सचिव थे वो डॉक्टर सुधाकर शर्मा लिखा गया है, पर इस समय मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, बट साउथ इंडियन आर्टिस्ट हैं ये, उनको बनाया गया है। एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो सुन रहे हो वो उसको पढ़ लें, ठीक है। और अगर आप इसमें से कमेंट बॉक्स में जितने लोग लिखते हैं उसका मैं देखती हूँ कितने लोग मेरे वीडियो को कायदे से सुनते हैं और कितने लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, तो मेरी क्वेश्चन को, ये मेरा आज का क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव इस समय 2020 में कौन हैं, ठीक है। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? राइट आंसर इज ए, 1000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65,
किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? तो राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर इज 65A, नटराज दृश्य। नटराज नृत्य में सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी, अफ्रीकी मुखौटों से। आप अगर घनवाद के बारे में पढ़े होंगे, पिकासो के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे, तो उसमें ये साफ साफ लिखा है कि अफ्रीकी मुखौटों से पिकासो ने प्रेरणा ली थी। ठीक है, द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया है? अब ये दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं वेस्टर्न आर्ट की बुक से आ गया है। तो वेस्टर्न आपकी एक बुक आप लिख सकते हैं जो रवि साखरकर की बुक है, पाश्चात्य शैली की कला से रिलेटेड, जिसमें आपका घनवाद, अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, सारे वादों के बारे में उन्होंने बहुत ही डिटेल में दिया है। तो उसके लिए आपको वेस्टर्न आर्ट के लिए एक सबसे अच्छी पुस्तक होगी रवि साखरकर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? अब ये फिर इंडियन आर्ट के बारे में आ गया। पटुआ चित्र है, राइट आंसर इज सी, कालीघाट से संबंधित है। प्रसिद्ध नालंदा, सॉरी, प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बिहार में था। ठीक है, बिहार राज्य में है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70, त्रि आयामी ठोस कलाकृतियों को जो अपने सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धसी हैं क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? रिलीफ बोलते हैं। ठीक है, रिलीफ कट बोलते हैं। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? तो ये जतिन दास की पुत्री हैं। जतिन दास अभी दिल्ली में रहते हैं, ये उड़ीसा के आर्टिस्ट रहे हैं। इनकी कलाकृति पूरी तरह वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड है। अभिव्यंजनावाद, अभिव्यक्तिवाद, मीन्स इन्होंने जो भी हेजिटेंट टच आपने देखा होगा, हेजिटेंट टच करके जतिन दास की एक चित्र है जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस हुई है। ठीक है, तो जतिन दास की पुत्री हैं नंदिता दास। गढ़ी कला केंद्र संबंधित है, गढ़ी कला केंद्र किससे संबंधित है? राइट आंसर इज डी, ललित कला एकेडमी से। ये केंद्र कुछ ऐसे कलाकारों के प्रयासों से सन 1976 में बनी थी, याद कर लेना है, 1976 में स्थापित हुआ था, जिसके पास दिल्ली शहर में कला कार्य करने के लिए कार्यशाला की कमी थी। शंखो चौधरी इसके अवैतनिक निदेशक नियुक्त हुए थे। यह केंद्र ललित कला एकेडमी को संचालन हेतु सौंप दिया गया था। शंखो चौधरी बड़ौदा यूनिवर्सिटी से थे और इन्होंने गढ़ी कला केंद्र को भी निर्देशन किया था। ठीक है, तो शंखो चौधरी और गढ़ी कला केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में, 1976 में। ठीक है, तो क्वेश्चन के एक्स्ट्रा में मैं आपको बता देती हूँ, निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर विशुद्ध BFA बैचलर इन फाइन आर्ट्स नहीं होता है? तो राइट आंसर इज, इसका नहीं होता है पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से कानपुर होगा, क्योंकि BFA कानपुर में नहीं है। 73 का डी कानपुर सही होगा। इलाहाबाद में भी BFA बैचलर इन फाइन आर्ट्स है, बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही है, लखनऊ में भी है और कानपुर में नहीं है। एरेना किससे संबंधित है? तो एरेना जो है वो एनिमेशन से संबंधित है। ठीक है, एरेना एनिमेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीजन बाई कौन है? ठीक है, तीजन बाई कौन है? एक पंडवानी गायिका हैं। राइट आंसर इज ए, पंडवानी गायिका है। इत्मादुद्दौला स्थित है, इत्मादुद्दौला आगरा में स्थित है। वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध कहाँ से है? तो वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध महाराष्ट्र से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन चित्रलक्षणम में मिलता है। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? अजंता में प्रकार पूछा है यहाँ पे, तो अजंता में दो प्रकार की गुफाएं हैं।
चैत्य गुफा और विहार गुफा। चैत्य गुफा में जो उस समय के जो अनुयायी थे वो वहाँ पे पूजा करते थे, और विहार गुफा में वो पूजा स्थल पे करते थे और वहाँ पे विराम स्थल मीन्स वो आश्रय वहाँ पर लेकर वहाँ सोत। अगर आप कोई अजंता गए हों तो आप देख सकते हैं कि चैत्य गुफा जो होती थी सिलेंडर शेप में होती थी, और जो विहार गुफा होती थी उसमें एक आंगन होता था, फिर चार तरफ बरामदे होते थे, फिर उस बरामदों में छोटे छोटे कोठरी नुमा बनाए गए थे, छोटे छोटे रूम बनाए थे जिसमें किनारे किनारे बैठने के लिए चबूतरे भी बनाए हुए थे। तो ऐसा फील होता है वहाँ पे जाने के बाद कि वो लोग वहाँ काम भी करते थे और वहाँ जो किनारे किनारे एक तरह से सीट जैसा बना रखा था तो वहाँ वो लोग आराम भी करते थे। तो इस तरह से दो प्रकार की गुफाएँ हैं। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक, देखा आपने इसमें तीन पुस्तक के लेखक का नाम आ गया, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पुस्तकों के लेखक का नाम याद कर लेना है। तो मेरी एक वीडियो मैं आपको लिंक में दे दूंगी जो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। तो भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, वर्तमान में अमिताभ बच्चन को उनकी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो उस समय के लिए तो 81 में जो था पा के लिए मिला था, ठीक है। तो आपको इससे ये पता चलता है कि आपको फिल्म अवार्ड्स के बारे में भी एक बार नॉलेज रखनी पड़ेगी, या तो आप फिल्म फेयर अवार्ड चेक कर लीजिए या आप इस तरह के क्वेश्चन देखते रहिए, तो कंटेम्प्रेरी में भी आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके दो चार क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कंटेम्प्रेरी से आ जाएंगे, दो चार क्या या अगर दस भी आप आ सकते हैं कभी कभी। तो सूमी ए क्या है, क्वेश्चन नंबर 82, सूमी ए क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या है, जापानी स्याही चित्रण। अधिकांश जापानी चित्रकारों ने केवल स्याही के माध्यम से ही चित्रण किया है जिसे सूमी ए शैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? तो रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ। तो आप देख सकते हैं टैगोर परिवार से कौन नहीं है, राजेंद्रनाथ, राजेंद्रनाथ नाम नहीं आता है, ठीक है। ललित कलाएं मानी जाती हैं, ललित कलाएं क्या मानी जाती हैं, कितनी मानी जाती हैं? ललित कलाएं पांच प्रकार की होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 का ए सही हो जाएगा, ललित कलाएं पांच होती हैं। 85, बोधिसत्व पद्मवाणी नामक चित्र किस गुफा में स्थित है? तो अजंता गुफा संख्या एक में बोधिसत्व पद्मवाणी की चित्र मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था? तो लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? वेदों में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, चांदनी रात में समुद्री दृश्य किसने चित्रित किया है? चांदनी रात में समुद्री दृश्य टर्नर, राइट आंसर इज ए, टर्नर ने चित्रित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी महिला है जिसने साहित्य के साथ चित्रकारी भी की है? तो राइट आंसर इज, ये तो बहुत ही बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, महादेवी वर्मा के कविताएं और उनके चित्र भी आपने देखे होंगे, उनके कविताओं के साथ उनके चित्र भी होते थे। तो राइट आंसर इज सी, महादेवी वर्मा। इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? तो इलाहाबाद स्थित जो सांस्कृतिक केंद्र है इसका नाम उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। सांस्कृतिक केंद्र का भी मेरा वीडियो है जो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पिशाचिनियों, मेरी अगर सारी वीडियो आप देख लेंगे तो डिटेल में भी सारे टॉपिक पे मैंने धीरे धीरे बना के रखा हुआ है मेरा वीडियो, तो आप एक बार मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो भी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? तो राइट आंसर इज डी, गोया की है। अश्वमेघ यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? तो अश्वमेघ यज्ञ के समय श्री राम ने सीता का स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि कब से चित्रकला का, मूर्तिकला का कब से उद्भव हुआ, तो हम ये देख सकते हैं कि रामायण और महाभारत में भी चित्रकला का
कहीं ना कहीं प्रयोग हुआ है। ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है ललित कला के। ये जो पिछला क्वेश्चन था वो भी महाभारत में भी क्वेश्चन पूछ देता है, और ये वाला ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी इसका भी क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है। टीजीटी पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। 1954 में, 1954 में ललित कला एकेडमी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94, अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। बाबरनामा की एक प्रति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। शैलखंड की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? शैलखंड की कुमारी लियोनार्डो द विंची ने बनाया है। ठीक है, तो ये फिर से वेस्टर्न आर्ट से आ गया। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया था? तो स्वर्ण विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर इज डी, यूनानी कलाकारों ने किया था। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं, सामंजस्य सबसे ज़्यादा किस वर्ण में होते हैं? तो पीला और नारंगी में होते हैं। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ था? बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में ढूंढा गया था? कहा जाता है 1938 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बादामी गुफा का रंगीन चित्र 1938 में प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगिरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं? सिगिरिया गुफा में कुल स्त्रियों 21 है। इस गुफा में 21 रूपायणी स्त्रियों के चित्र बने हैं, जिसमें गुफा ए में 4 चित्रों की, गुफा बी में 17 चित्रों को सुरक्षित किया गया है। ठीक है, सित्तनवासल, क्वेश्चन नंबर 100, सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो सित्तनवासल की गुफा जो थी वो जैन धर्म से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 101, जहांगीर ने अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसको माना था? जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था किसको? ठीक है, तो राइट आंसर अबुल हसन को। अमीर हंजा के प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? अमीर हंजा के प्रति के 61 चित्र जो हैं वो अल्बर्ट जहांगीर आर्ट गैलरी में, इलाहाबाद संग्रहालय, साहित्यगर अल्बर्ट। अमीर हंजा की जो प्रति थी वो फॉरेन में कहीं है सुरक्षित, यहाँ इंडिया के किसी में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अजंता में कितने प्रकार की शैली, रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, दो प्रकार की रेखा शैली। आपने देखा अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं, एक पूछा अजंता में कितने रेखा शैली, अजंता की चित्र के बारे में भी पूछ लिया, अजंता से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अजंता तो बिल्कुल हैंड पे मुंह में आपके रटा होना चाहिए, अजंता को आप बहुत अच्छे से पढ़ डालिए। किस मूर्ति का, इस पेपर को सॉल्व कराने का मेन रीज़न मेरा ये है कि आपको इस बारे में इसका पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये 2010 का है, अब 2020 में तो अभी थोड़ा सा और टफ पेपर आते हैं, क्योंकि ये पहले आते थे, अभी इनसे रिलेटेड थोड़े से आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बताया कुछ 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कॉमन आते हैं जो हर बार आते हैं। बट जो बाद के जो आपको जो दिलाएगा सेलेक्शन, वो क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 104, किस मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? तो हिंदू कला के, जिसमें हिंदू के से रिलेटेड चित्र हैं, वो है खजुराहो। ठीक है, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, तो ये कहाँ पे हैं? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वोस्टर्न संग्रहालय में स्थित है। जोगी मारा की गुफा की लंबाई है 10 फीट। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो भित्ति चित्रण की कला भारत में जोगी मारा से ही प्रारंभ हुई थी। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल 23 फीट × 14 फीट है। रसमीमांसा ग्रंथ की रचना की है,
आचार्य रामचंद शुक्ल ने की है। विश्व धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। किसके विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं? राइट आंसर इज बी, वर्णिका नहीं आती है इसमें। वैदिक नागर मिश्र आता है बट वर्णिका नहीं आता। वर्णिका कलर को बोलते हैं जो कि आपको रूप भेदा प्रमाणानी भाव लावण्य योजनम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। ये वर्णिका जो है वो षडंग में आता है, चित्र के षडंग में। ठीक है, तो आपको षडंग सारे तान पोत जो हैं और ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के विभाजन सारा कुछ आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर लाइक करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम दे के ये वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना अगर आपने नहीं किया हो, और कमेंट तो कर देना प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 111, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आता है, अकबर की चित्रशाला में कितने गुजराती चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग हुआ था? खनिज रंग, जल रंग, रासायनिक रंग, सोना चांदी का रंग। तो बूंदी शैली के चित्रों में सोना चांदी के रंगों का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया था। वेशभूषा सया एवं पात्रों में अलंकरण दर्शाने हेतु इसका प्रयोग किया गया था। जैसे सजावटी चित्र बनाए जाते हैं उस तरीके से बूंदी शैली के चित्रों को सजाया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो बसोहली के जो चित्र हैं वो पंजाब, मुंबई, राजस्थान और दिल्ली। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, पंजाब। बसोहली के चित्र पंजाब संग्रहालय में स्थित हैं। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी? राइट आंसर इज ए, 1908 में। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 में हुई थी। बाघ गुफाओं को जाना जाता है? बाघ गुफाओं को रंग महल के रूप में, पंच पांडवों के रूप में, गृह गुफा के रूप में और इनमें से कोई नहीं। तो बाघ गुफाओं को पंच पांडव के रूप में माना जाता है। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं? उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण बेल्लारी में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? भीमबेटका नामक पहाड़ी में 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें लगभग 275 गुफाओं के चित्रावशेष प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट किसने लिखी है? राइट आंसर इज सी, डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने लिखी है। बकायते बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? तो राइट आंसर इज बी, 19 चित्रकारों का, हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। इस पेपर में 125 क्वेश्चन ही किसकी है? वंस अपॉन अ टाइम कलाकृति बद्रीनाथ आर्य की है। क्वेश्चन नंबर 121, लास्को गुफा की खोज हुई थी? लास्को गुफा की खोज हुई थी 1940 में। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं? तो राइट आंसर इज डी, 14 चित्र प्राप्त हैं। 123, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? तो कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिकाएं होती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124, फोन द गॉम क्या है? तो राइट आंसर इज बी, गुफाएं हैं। ये वेस्टर्न की गुफाएं हैं। आप वेस्टर्न के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फोन द गॉम एक गुफा का नाम है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी मेरे वीडियो पे आप सर्च कर सकते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पढ़ा चुके हैं, और मैं गुफाओं के बारे में भी वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाने जा रही हूँ, तो सारी सिलेबस को मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, 125, इंझा कृति किसकी है? इंझा कृति किसकी है? राइट आंसर इज सी, डी पी धुलिया की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।